के श्रीवास्तव और आप देख रहे टारगेट इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों डीएमआरसी का जो पेपर का तीसरा वीडियो है वो आइए देखते हैं। परिपथ भंजन के रूप में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा निर्माण क्षमता इज इक्वल टू 0.2.55 गुणे भंजक क्षमता। अगला है एक जनरेटर का जनरेटर पर त्रिकला टर्मिनल दोष के दौरान स्थिर अवस्था दोष निम्न द्वारा सीमित है। आंसर होगा जनरेटर का तुल्यकालिक प्रतिघात। अगला है पिंजरी प्रेरण मोटर के साथ संयोजित एक त्रिकला डेल्टा को ड्यूल स्टार्टर से चालू किया जाने पर प्रारंभिक बलाघून 600 Nm है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किए जाने पर इसका आरंभिक बलाघून होगा। आंसर होगा 200 Nm। अगला है परिपथ भंजक के द्वारा निर्माण करने का संबंध निम्न के साथ है। आंसर होगा मुख्य चरम के समय लघुपथिक धारा का RMS मान। अगला है उच्च वोल्टता DC संचरण के मामले में कम से कम कितने चालकों की जरूरत होती है? आंसर होगा एक। अगला है निम्न में से कौन सी मोटर को स्टेटर पर पिंजरी वाइंडिंग है? आंसर होगा एक कला छत का पंखा प्रेरण मोटर। अगला है ई एच वी को बंद करने और इसके अनुरक्षण के लिए निम्न क्रम अपनाया जाता है? आंसर होगा परिपथ वियोजक को खोलें, विलगकारी को खोलें, भू स्विच का परिवर्तन करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न चित्र में दिए गए परिपथ के लिए ए बी पर देखे जाने वाले थेवेनिन वोल्टता और प्रतिरोध निम्न द्वारा परिलक्षित होते हैं? आंसर होगा दोस्तों 5 वोल्ट 10 ओम। अगला है संट रिएक्टर दीर्घ संचरण लाइन प्रणाली के अभिग्राही छोर पर क्यों संयोजित किए जाते हैं? आंसर है अल्प भार पर धारित आवेश के कारण उत्पन्न वोल्टता वृद्धि को पूरित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक 10 ओम प्रतिरोधक को 15 ओम प्रतिरोधक के साथ समानांतर रूप से संयोजित किया जाता है और श्रेणी में संयुक्त को 12 ओम प्रतिरोधक के साथ संयोजित किया जाता है। परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध है? आंसर होगा 18 ओम। अगला क्वेश्चन है एक निकल कॉइल का 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 13 ओम है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0.006 सेंटीग्रेड है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है? आंसर होगा 10 ओम। अगला है 1.5 किलोवाट हीटर द्वारा 5 मिनट में प्रयुक्त ऊर्जा होगी? आंसर होगा 450,000 जूल। अगला क्वेश्चन है किसी वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल EMF क्या कहलाता है? आंसर होगा जब किसी भार का अनुप्रयोग नहीं किया जाता है तो आंतरिक वोल्टता। आंसर होगा जब किसी भार का अनुप्रयोग नहीं किया जाता है तो आंतरिक वोल्टता। अगला क्वेश्चन है एक स्थायी चुंबकीय चल कॉइल एमीटर का प्रतिरोध 99 ओम है और पूर्ण स्तरीय विक्षेप FSD धारा 0.1 मिली एम्पियर है। संट प्रतिरोध 1 ओम है 0.5 FSD पर मीटर के माध्यम से धारा है। आंसर होगा 0.05 मिली एम्पियर। अगला है 2 वाट मीटर विधि द्वारा त्रिकला परिपथ के शक्ति मापन के लिए जबकि शक्ति गुणांक का मान 0.5 पश्चगामी से कम है। आंसर होगा 1 वाट मीटर संयोजन का उत्क्रमण करना
होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोड बोल्ट का वी ए ज्ञात करें। आंसर होगा उसका दोस्तों 4.25 वोल्ट। अगला है, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम निम्न के बराबर है। आंसर होगा 1.00049 निरपेक्ष ओम। अगला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रीय लाइनें और समविभव होने चाहिए। आंसर होगा लंबिक। अगला है, अग्र अवरोधन अवस्था में SCR में प्राप्त होता है। आंसर होगा न्यून धारा विशाल वोल्टता। अगला है, SCR का उज्जलन काल निम्न का प्रयोग करके घटाया जा सकता है। आंसर होगा उच्च आयाम का आयताकार स्पंद और संकरी चौड़ाई। अगला है, विदारी क्रांतिक वोल्टता। आंसर है, वायु में आर्द्रता और अंश में वृद्धि के साथ घटेगी। अगला है, यदि संचरण लाइन की दिशा बदलनी हो तो किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा निलंबन कोटि। अगला है, कौन सा कथन सही है। आंसर होगा SF6 गैस विषाल है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है। आंसर होगा 0.625 × 10^19। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निवेश XT और निर्गम YT से युक्त एक गतिक प्रणाली निम्न द्वारा निरूपित होती है। आंसर होगा YT = F(x)(TT। अगला क्वेश्चन है, तीन एक समान प्रतिरोधकों को जिनमें से प्रत्येक R ओम के बराबर है, नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार संयोजित किया जाता है। बिंदु बी ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध। आंसर होगा R3। अगला है, चित्र में दर्शाए परिपथ का काल स्थिरांक है। आंसर होगा 8RC/3। अगला है, यदि DC श्रेणी मोटर के आर्मेचर में धारा 5 एम्पियर घटा दी जाती है मोटर का बल अगुण हो जाएगा। आंसर होगा पूर्व मान का 0.25%। अगला है, यदि अन्य अल्टरनेटरों के साथ समानांतर में काम कर रहे अल्टरनेटर उत्तेजन उसकी निम्न घटा देता है तो आंसर होगा शक्ति गुणांक अधिक अग्रगामी बना देता है। अगला है क्वेश्चन, सामान्य संग्राही एम्पलीफायर का निर्गम संकेतक निवेश संकेतक के साथ कला में होता है। अगला क्वेश्चन है, धारा को प्रत्यावर्ती कहा जाता है जब वह निम्न में बदल जाती है। आंसर होगा परिणाम और दिशा दोनों। अगला है, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस क्षति निम्न पर निर्भर करती है। आंसर होगा आवृत्ति। तो दोस्तों, ये 120 क्वेश्चन पूरे हुए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मैंने आप लोगों की मांग पर ही ये बनाया था, तो आगे वीडियो मैं आपको और दूंगा तो कि डिटेल के साथ वो होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।